भाई नहीं, मेरे दो बात से हम जा रहे हैं। मेरी बात सुनो चाचा आराम से, बिल्कुल नहीं मैं आपकी बात नहीं, हमारे को दम निकलना है भाई, हम नहीं। क्या निकलना? पेशाब निकलना है? एक सेकंड, हाँ निकल लो। अरे मेरे भाई पैसे दे, अच्छा दे रहा। तो मावा इतना थूक रहे हो तुम? तो मावा खाते हैं भाई बिल्कुल, जब शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? मैं पैसों का खाता हूँ मावा, शर्म क्यों आएगी? क्या चाह रहे? बस दुआया भाई, उस गाड़ी चाहिए थी सेल्फ के ऊपर। सही, मिल जाएगी गाड़ी आपके पास? गाड़ी बिल्कुल मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? कहाँ नाम है? मोहम्मद जुनेद नाम है। तो यहाँ असल में बिलाल भाई होते हैं। हाँ बिलाल, बिलाल। अच्छा अच्छा, आप पहले उनके फोन पे तारुफ भी ले सकते हैं, मेरा मसला नहीं है। सही, तो मेरी उनसे बात हुई थी सेल्फ पे करोला चाहिए। अच्छा, भाई बैठे हुए तो आप आ जाए, वहाँ मिल जाएगी करोला। ठीक है, करोला मिल जाएगी आपको जी। कितने दिन के लिए चाहिए? सर 3 दिन के लिए चाहिए। 3 days जी। जी वालेकुम सलाम। गाड़ी चाहिए? गाड़ी मिल जाएगी आपको? चाहिए जी, मिल जाएगी। कौन सी गाड़ी चाहिए? सलफ तो गाड़ी का है ना, सलफ जब सलफ करते हैं पापा, टेढ़ी पापा, टेढ़ी पापा, सलफ तो वो होता है ना। गाड़ी हमारे को सलफ पे चाहिए 4 दिन के लिए। अच्छा, आपको जाती तौर पे ड्राइवर नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ड्राइवर को नहीं। कल्टक्स तो पंप का नाम है भाई। कल्टक्स तो अल्टो। अच्छा अच्छा, गाड़ी को बोल रहे हैं आप कल्टक्स। अल्टो मिल जाएगी? अल्टो मिल जाएगी, छोटी गाड़ियों में हमारे पास जी। सलाम वालेकुम। सर गाड़ी चाहिए थी हमारे, मिल जाएगी? सेल्फ पे चाहिए क्या? नहीं, ड्राइवर के साथ चाहिए, वो छोटे भाई की बगाते हैं। फॉर्चुनर चाहिए? नया मॉडल? हाँ नया मॉडल मिल जाएगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बता दें अपने बारे में, कहाँ है, क्या है, कोई एड्रेस वगैरह बता दें। न्यू कराची 5 नंबर पे है यही शामिल। ठीक है, 11D सेक्टर। सही है, कोने कॉर्नर। कब चाहिए? आज हफ्ता है ना, आज पीर वाले दिन चाहिए। पीर वाले दिन चाहिए, लाएँ एडवांस दे दें। 20,000 रुपये चल रहे ड्राइवर के साथ नया मॉडल। सही नहीं, सेल्फ पे तो देते ही नहीं है बड़ी गाड़ी। अच्छा, ड्राइवर आएगा 20,000 रुपये लेंगे 12 घंटे के। 1,000 रुपये? 2,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये चल रहा है हमारे यहाँ। नहीं नहीं, क्या हो गया? मेरी बात हुई है बिलाल भाई से। क्यों? हाँ हाँ, 5,000 रुपये मेरी बात तो हुई है उनसे फोन के ऊपर। उन्होंने बोला आ जाओ भाई, दे देंगे बैठे में, मैं निकला हुआ काम से। अच्छा, मैं आपकी ये एंट्री कर देता हूँ। हाँ एंट्री कर लो, मसला नहीं है भजन। बस एक मसला है जी। जी बोले, गाड़ी आपको कब चाहिए? अभी चाहिए, मैं अभी फौरन लेना। देखने में मेरा गेटअप तैयार हो गया है, वो मैं जाना, मेरे को टाइम नहीं है। सिलसिला ये है, गाड़ी असल में खड़ी है शेरशाह। क्यों? उसका इंजन जो है ना वो बोल गया है गाड़ी का, तो वो इंजन चेंज हो रहा है और इंजन आ रहा है काबली कोयटा से। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और वो वहां जाके इंजन की, क्योंकि हमारे पास बोनी भी नहीं हुई है, पेमेंट नहीं की हमने इंजन की अभी तक, तो इंजन की पेमेंट भी वहां कर दे और गाड़ी फिर आप उठा ले। भाई मैं गाड़ी सेल पे ले रहा हूं, वो खरीद को ले रहा हूं। नहीं नहीं, खरीद नहीं रहा मेरे भाई। भाई तो इंजन की पेमेंट मैं क्यों करूं? तो भाई जान, गाड़ी चलेगी तो इंजन खराब भी हो सकता है। इनके पैसे दे तो रहा हूं, तो इंजन के पैसे भी दूं क्या? अरे मेरे बात, आप मेरे भाई, तो किस बात के इंजन के पैसे दूं मैं? आप लाउड हो रहे हैं, ऐसा कुछ चक्कर नहीं, मेरे पैसे तो मेरे हैं। मेरे भाई सुने तो, जुनेद भाई बैठे नहीं है मेरे को, मेरे को जाना है। अच्छा मैं बता रहा हूं ना आपको, बैठे तरीका बैठे तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। बिलाल ने मुझे बोला गाड़ी खड़ी है। अरे बिलाल की ऐसी की तैसी, आप मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। सुना इंजन बोल गया है उसमें, इंजन बोल गया तो मुझे फोन पे ही बोलते ना कि यार गाड़ी दूसरी अरेंज कर रहा हूँ। असल में फिर मैकेनिक बोलेगा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटा नहीं, मेरे को पता है सर, मैकेनिक को छोड़े 1-1.5 हफ्ता लगेगा उसमें, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अभी चाहिए गाड़ी, तो पेमेंट नहीं है ना, पेमेंट मेरे भाई एडवांस तो यार मेरा एडवांस एंट्री कर दिया। मैं बहुत सारे शोरूम वाले मुझे एंट्री करते, क्या करूँ? एंट्री हो गई है आपको? फाड़ दूंगा ऐसी एंट्री को, मैं 10 एंट्री कराता हूँ रोज का, काम तो करे और नहीं तो क्या। नहीं पैसा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे। सही, 3,000 रुपये आ गए भाईजान। एक छोटा सा मसला है, मैं आपको बता दूं, मैं बगैर मसला बताए मैं काम करता नहीं हूँ। मैं मसला पहले बता देता हूँ ताकि बुरा समझे में बुरी बात ना हो। मसला क्या है? मसला ये है कि गाड़ी में जो है ना वो टायर जो है ना वो टायर फट गए आगे के दो। सही है, सिर्फ वो आगे के दो टायर फट गए और पीछे से गाड़ी लगी है, विंड स्क्रीन टूटी हुई है गाड़ी में, पीछे से किसी ने हिट की है।
समझ रहे हैं बात को? और ये साइड मिरर जो होते हैं ना गाड़ी के, वो तो है ही नहीं उसमें, ठीक है? नहीं नहीं, असल में मसला ये, गाड़ी हमारे पास वही खड़ी हुई है, नहीं चलाना भी वो है, उसका इंजन सीज हो गया ना गाड़ी का, गाड़ी का इंजन सीज हो गया है, तो ये गाड़ी इस टाइम वहाँ खड़ी हुई है अपना क्रॉसिंग पे, क्रॉसिंग पे वहाँ पे खड़ी हुई है और मिट्टी लिपटी हुई है गाड़ी पे। मैं आपको लोकेशन बता दूंगा, आप गाड़ी वहाँ से ना ट्रक से बिल्टी करा लीजिएगा। भाई ऐसा थोड़ी होगा, क्यों गाड़ी साफ सुथरी गाड़ी चाहिए, जब जाए ड्राइव करके वापसी आ जाए। नहीं मेरी बात सुने, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फाड़ लेने के नहीं, 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 कैसे काम होगा भाई? नहीं मसला ये है कि जो चीज है वो है ना, नहीं, बता नहीं, के नहीं, देना बंदा यार, झूठ क्यों बोले यार गाड़ी शोरूम है और शोरूम से निकली हुई है, मैं झूठ क्यों बोलूं? सही है लेकिन हमारा जैसे नहीं आगे काम। अल्टो आपकी मैंने ये एड्रेस भी बता दिया है इसमें, और ये आपकी एंट्री हो गई है, ये आपके शनाख्ती कार्ड आ गया, ये पेमेंट आ गई, गाड़ी उठा ले। अभी फिलहाल आप ट्रक से तो बिल्डिंग करा के लेके आए, कितना? अच्छा 4,000 एडवांस आ गया है, 16,000 रुपए रिमेनिंग है, ठीक है। मुझे ये बताएं कब चाहिए आपको? सजवानी भी है आपने? अच्छा सिलसिला ये है भाई, गाड़ी असल में हुई है एक्सीडेंट, तो वहाँ वहाँ सजाएंगे जहाँ एक्सीडेंट से अंदर घुसी हुई है ना गाड़ी, तो वहाँ वहाँ ऐसे फूल लगवा देंगे, पता ही नहीं चलेगी, समझ रहे हैं बात को? आपको नहीं पता चलेगी कि एक्सीडेंट है, समझ रहे हैं? उसकी आगे का हिस्सा ख़त्म हुआ है, समझ रहे हैं बात को? और पीछे से भी इत्तफाक से ना रगड़ आई थी, तो तकरीबन आधी गाड़ी पिचकी हुई। तो भाई मैं ये गाड़ी करवाने के लिए आया हूँ आपसे, क्या ये भी गाड़ी है? आपको मैंने न्यू मॉडल की गाड़ी असल में भाई जान ट्राला चढ़ा था, ट्राला चढ़ा था गाड़ी पे, वो जो दुला है ना वो यूं चिपक के बैठेगा। ट्राला चढ़ा था तो मेरा मसला थोड़ी है, ट्राला चढ़ा था मेरे से तो आप न्यू गाड़ी के पीछे। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैं गाड़ी के फॉर्च्यूनर के मांग रहा हूँ, नई और पुरानी गाड़ी ना, न्यू मॉडल आपने कहा है, न्यू मॉडल ही है वो, न्यू मॉडल ही चुका है। पिचकी हुई गाड़ी में कैसे ले आऊंगा? तो मेरे भाई उसमें 7 बंदे बैठते हैं, उसमें 2 बंदों की गुंजाइश है, बस ये पिचक गई है। नहीं भाई मेरे को ये गाड़ी थोड़ी करनी, इस तरीके से थोड़ी होता, तुम यहाँ मजाक कर रहे हो पता नहीं क्या। नहीं मजाक नहीं कर रहा, आपको मैंने पहले ही बता दिया, 20,000 रुपए बोले हैं, मैंने आपको 4,000 एडवांस दे दिया, आप टाइम पे मुझे गाड़ी दे। तो मेरे भाई उस वक्त पिचकी हुई गाड़ी आती तब तुम सही रहते? ऐसे कैसे पिचकी हुई गाड़ी आ जाती? मैं पिचकी हुई गाड़ी करवाने के लिए आया हूँ। अरे तो भाई मैं तो उसको शेरशाह में टोटल लॉस में डालना था, आप आ गए तो मैंने कहा आपको दे दूं। क्या क्या पैसे दो मेरे भाई, सुनो क्या हो गया, भाई नहीं करना तो भाई के पैसे दो, पैसे लिए तो आन को 2,000 रुपए, हाँ दो के 4 लेने जाता हूँ मैं, एक सेकंड, हाँ निकल लो। अरे मेरे भाई पैसे दे, अच्छा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ के लिए ना पैसे, हाँ नहीं नहीं दे रहा हूँ, ये रहे यार। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, कोई बात नहीं, अरे मजाक कर रहे, अरे मजाक कर रहे, कैमरा लगाया हुआ है, भाई अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी जाती गाड़ी दे दूं? भाई आप कुछ भी करो लेकिन मेरा काम तो सीधा होना है, नहीं सीधा नहीं होगा, ये पहली बोनी हुई है, ये थोड़ी मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भाई नहीं, मैंने दो वापसी हम जा रहे, मेरी बात सुनो चाचा आराम से, बिल्कुल नहीं मैं आपकी बात नहीं, हमारे का दम निकल रहा है भाई, हम नहीं, क्या निकलना, पेशाब निकलना है, जा रहा है हमारे भाई, नहीं है हमारा, ये हमारे को पैसा दो हम निकले बस, ये अपना पकड़ो ये एंट्री ले लो वापसी, नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं नहीं चाहिए, नहीं आपको हम क्या करेगा, गाड़ी आपका सही नहीं है, सही गाड़ी चाहिए, सही गाड़ी दे दो, ले जाएगा फिर उसको जो भी है, तो 2-4,000 ऊपर दे देगा, मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा वाह वाह, अच्छा मेरी बात सुनो, सही गाड़ी देता हूँ, मैंने मजाक किया आपके साथ, कैमरा लगा हुआ है वो देखो, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक कैमरा वो देखो, वो गाड़ी के अंदर लगा हुआ वो देखे, तुम छोड़ो मेरे पैसे वापसी दे दो, मैं आगे वो शो में वहाँ चले आऊंगा। नहीं नहीं भाई पैसे वापस नहीं होता भैया, क्यों गलत कर लो आप हमारे साथ, हम इतनी दूर से आपके पास आए शादी के लिए, गाड़ी करने के लिए आपने एक तमाशा लगा दिया। यार मेरी बात सुनो, तो मावा इतना थूक रहे हो तुम, तो मावा खाते हैं भाई बिल्कुल, जब शर्म आनी चाहिए, क्यों शर्म आनी चाहिए, मैं पैसों का खाता हूँ, मावा शर्म क्यों आएगी मुझे, वाह वाह वाह, मैं नंगा घूमूंगा, वाह 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 क्या अच्छी बात की है भाई, नंगा घूम, सिर्फ नंगा घूमने में शर्म आनी चाहिए, ताकि और पैसों का खरीद के खा रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुददार आदमी, खुददार आदमी, खुददार आदमी हूँ मैं, खुददार भैया। अच्छा जी, अच्छा कोई मावा खोले आप यूँ हाथ नहीं बढ़ाते? नहीं नहीं अपना लेके आते हैं भाई। अच्छा मेरे भाई आप कोई एक्सट्रीम तबीयत के लग रहे हैं, ये आपके पैसे हैं, मैंने मजाक किया, ये ले गाड़ी का हमारा क्या होगा भाई, गाड़ी हो जाएगी, मजाक किया मैंने आपके साथ, वो देखो कैमरा लगा हुआ,